Hey guys, hello everyone, my name is Mayur and you're watching Touch 4 Vlogs. We are back with another video. और वैसे आपने वीडियो के टाइटल और थंबनेल देख के पता चला ही लिया होगा कि आज हम किस मशीन का जो है अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। अभी कुछ 7 महीने पहले मैं गया था हिटमिन के लॉन्चिंग इवेंट में, जो कि हिटाची का ब्रांड है। और तो वहाँ पर मैंने आपको एक वादा किया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर आई बटन में आ रहा होगा, तो आप देख सकते हो। अरे यार मुझे बोलने दो। तो वहाँ पर मैंने आपको एक वादा किया था कि मैं यहाँ पर हिटमिन का कोई एक प्रोडक्ट तो मैं अपने चैनल पर ज़रूर लाने वाला हूँ, और आप लोगों के लिए स्पेशली। सो फाइनली वी आर बैक विद द प्रोडक्ट। और आज जो है अपने पास हिटमिन की ये इम्पैक्ट ड्रिल मशीन, जो कि 13 mm की है, काफ़ी ऑसम मशीन है गाइस। मल्टी फंक्शन के साथ आपको ये मशीन देखने मिलती है, और इसका आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे, और साथ ही साथ कितने प्राइस पॉइंट पर ये मशीन आपको देखने मिलती है, क्या इसको लेना वर्थ है या वेस्ट ऑफ मनी है, तो सारा सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर इसके बारे में जानेंगे। इनफैक्ट मैं आपको रिव्यू भी दूंगा कि ये मशीन एक्चुअल में है कैसी। सो आप इसी तरह वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए आप एक काम कीजिए कि अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को करते लाइक और वीडियो को कंटिन्यू करते। सो लेट्स बिगिन। चलिए, और मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, काफ़ी ज़्यादा उतावला जो आपसे भी ज़्यादा, तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो फाइनली गाइस ये है वो मशीन, और यहाँ पर ये देखो कुछ आपको हिटमिन के इम्पैक्ट ड्रिल मशीन का बॉक्स कुछ इस तरह से देखने मिलेगा। और यहाँ पर बॉक्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर बॉक्स में मुझे जो है गाइस इतना मज़ा नहीं आया, एक टूटा फूटा सा बॉक्स मुझे जो है मिला हुआ है। सो बॉक्स के पीछे थोड़ा सा हिटमिन को मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए, जिस हिसाब से इसकी प्राइसिंग रखी है उस हिसाब से थोड़ा बॉक्स पे खर्चा करना चाहिए गाइस। बाकी मशीन तो एक नंबर होने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे बॉक्स जो हैवी लग रहा है उस हिसाब से मेरे ख्याल से मशीन कमाल की होगी। और एक्चुअल में गाइस प्राइसिंग दी है तो मेरे ख्याल से मशीन पे पूरा का पूरा जो ध्यान है हिटमिन ने दिया हुआ है। और मैं आपको एक बार जो है बॉक्स का ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ कि क्या क्या जो है बॉक्स के ऊपर आपको डिटेल्स दी गई है। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर हिटमिन का लोगो और यहाँ पर जो है इम्पैक्ट ड्रिल जो है लिखा हुआ मिल जाएगा। और ये मशीन का जो है मॉडल नंबर की मैं बात करूँ तो HMDV-13A जो है आपको इस मशीन का मॉडल नंबर देखने मिलता है। इस तरह से जो है आपको नीचे स्पेसिफिकेशंस देखने मिलते हैं। यहाँ पर ये मशीन का जो है आपको फ़ोटो मतलब प्रोफाइल और बैक साइड सेम एज इट इज़ आपको सेम यही प्रोफाइल जो है दिखे पीछे प्रिंट की हुई है। ऊपर की तरफ आपको हिटमिन के जो है ब्रांडिंग नेम, नीचे की तरफ भी आपको सेम एज इट इज़ हिटमिन का ब्रांडिंग नेम, और राइट हैंड साइड की तरफ आपको ये कुछ इस तरह से प्रोफाइल, और इस तरफ जो है आपको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स और बारकोड वगैरह दिए हुए हैं। और तो बताने लाइक बॉक्स के ऊपर कुछ नहीं है। अभी बात करते हैं इस मशीन के स्पेसिफिकेशंस की। इस मशीन के वोल्टेज की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 550 जो है इस मशीन का वोल्ट देखने मिल देगा, और जिस हिसाब से इसका वोल्ट है बस उसी हिसाब से इसका थोड़ा आरपीएम भी आपको ज़्यादा देखने मिलेगा। 3000 से लेके 48000 तक जो है इसका आरपीएम आपको देखने मिलेगा, और आरपीएम और वोल्टेज से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी पावरफुल जो है मशीन आपको एक्चुअल में देखने मिलती है। और फिर यहाँ पर हम बात करते हैं इस मशीन के ड्रिलिंग कैपेसिटी की। यहाँ पर अलग अलग जो है वर्क्स के लिए अलग अलग जो है ड्रिलिंग कैपेसिटी आपको इस मशीन की देखने मिलेगी, जो कि आपको 13 mm की जो है कंक्रीट में ड्रिल करने की कैपेसिटी देखने मिलेगी। फिर हम बात करते हैं इसके वुड की, तो वुड के अंदर ये आपको 25 mm तक का जो है ड्रिल कर सकती है। और स्टील की बात करो तो यहाँ पर आपको 13 mm का जो है स्टील में भी ये ड्रिल कर सकती है। और फिर हम बात करते हैं इस मशीन के वेट की, जो कि आपको 1.8 kg जो है इस मशीन का एक्चुअल में वेट देखने मिलता है। बट कैसे, जब आप इसके अंदर सारे एसेसरीज जो है इसके ऊपर लगा देते हो तब जो है आपको एक्चुअली 1.8 kg जो है इसका वेट देखने मिलता है। तो ओवरऑल लेंथ जो है इस मशीन का आपको 295 mm की जो है इसकी मशीन की आपको लेंथ देखने मिलेगी। मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया, मेरे हाथ में जो है हिटमैन की वॉच भी है। जब मैं लॉन्चिंग इवेंट में गया तो यहाँ पर हिटमैन की तरफ से वॉच दी हुई थी, सो आज मैंने वही पहना इस वीडियो के लिए स्पेशली। अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा खोलते हैं बॉक्स को। बॉक्स के अंदर मुझे अब तक जो नोटिस हुआ है, सो एक लाइट वेट और अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ करते हुए एक हैंडल बार बनाया हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और मस्त क्वालिटी के साथ जो है आपको ये हैंडल बार देखने मिलता है। और फिर यहाँ पर एक लेवल स्टिक, सो ये कुछ आपको प्लास्टिक की जो है लेवल स्टिक देखने मिलती है। सो ये कैसे लगाते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा वीडियो के बीच में कभी भी। फिर यहाँ पर आपको देखने मिलता है ये ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन बुक और एक वारंटी कार्ड। सो वारंटी कार्ड ये देख सकते हो आप, कुछ इस तरह से जो है वारंटी कार्ड देखने मिलता है, और कंपनी क्लेम करती है 6 मंथ की वारंटी। सो ये देख सकते हो आप, और यहाँ पर एक ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन बुक, और यहाँ पर कोई इसके अंदर आपको कार्बन या कोई भी ड्रिल बिट आपको एक्स्ट्रा नहीं देखने मिलता है। ये थोड़ा डिसअपॉइंट लग रहा है, देना चाहिए था।
और फिर यहाँ पर फाइनली अपना जो मेन कंटेंट मशीन। सो ये कुछ इस तरह से जो आपको हिटमैन का मशीन देखने मिलता है, ये देखिए कुछ चक इस तरह से जो है मशीन का आपको ओवरऑल कलर देखने मिलेगा सेम एज इट इज। हिटाची का जो कलर है वही यहाँ पर सेम कलर पैटर्न जो है यहाँ पर कंपनी ने लिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो इस मशीन की ब्रांडिंग का नाम हिटमैन दिया हुआ है, स्टिकरिंग लगा हुआ, थोड़ा सा 3D टेक्सचर देना चाहिए था, जो कि मेरे ख्याल से नया ब्रांड है तो धीरे धीरे जो है कंपनी इसके ऊपर भी अपग्रेड करेगी। ग्राफिक की बात करूँ तो एकदम नॉर्मल सा, ज़्यादा ओवर ग्राफिक जो है इसके ऊपर नहीं देखने मिलेगा, जो ज़रूरत का ग्राफिक है बस उतना ही देखने मिलेगा। सो ग्राफिक काफ़ी कमाल का मुझे इस मशीन का सीरियसली अब तक लगा है। बस यही जो है थोड़ा सा आपको रबरिश ग्रिप दिया हुआ है जो कि मुझे एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। हाथ अगर अपने स्वेटी हो जाते तो ग्रिप जो है और अच्छी जो है मिल जाती है आपको, स्लिप होने के चांसेस इसमें नहीं देखने मिलते। सो यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा कैमरे में, आई डोंट नो कैच कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर भी आपको हल्का हल्का जो है ग्राफिक दिया हुआ आपको मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑसम लगता है। मशीन के आपको चारों साइड जो है ग्रिल्स देखने मिल जाते हैं ताकि आप इस मशीन के आर्मेचर कॉइल को जो है ठंडा रख सकते हो। सो उस हिसाब से आपको यहाँ पर ग्रिल देखने मिल जाती है। फिर यहाँ पर नीचे कम्यूटेटर के साइड भी आपको जो है ग्रिल्स दोनों साइड देखने मिलते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और ऊपर की तरफ भी, ताकि जो मशीन है नॉनस्टॉप आप इससे वर्क कर सकते हो। और अब हम बात करते हैं इस मशीन के स्विचेस की, तो ऊपर की तरफ जो आपको देखने मिलता है इसका लीवर, जो कि हैमर टू नॉर्मल मोड जो है करने के लिए ये लीवर दिया हुआ है, और यहाँ पर ऊपर आपको एरो दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप मोड को जो है सेट कर सकते हो। सो वैसा आपको जो है ऊपर की तरफ लीवर देखने मिलता है ब्लैकिश कलर में, प्लास्टिक है ये एक्चुअल में। एक पर आपको रिवर्स फॉरवर्ड का जो है स्विच देखने मिलता है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि गाइस यहाँ पर ये जो रिवर्स फॉरवर्ड ये एक्चुअल में एक बटन जो है बनाया हुआ है, ना कि कोई स्टिक है लीवर स्टिक। सो ये लीवर स्टिक नहीं है, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि बटन जो है इजीली एक्सेस करने में भी मज़ा आता है, और काफ़ी बड़े बड़े जो है आपको बटन्स भी अंदर दिए हुए, सो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। और फिर हम बात करते हैं इस मशीन के मेन स्विच की, जो कि वेरिएबल स्विच के साथ मिलता है। यहाँ पर आपको एक सर्कल में वेरिएबल स्विच दिया हुआ है जिसको आप प्लस माइनस कर सकते हो और मशीन को जो है स्लो फास्ट चला सकते हो। वैसे तो स्विच के अंदर भी आपको वेरिएबल स्विच देखने मिलता है, जैसे आप स्लो चलाओगे तो उस हिसाब से मशीन भी जो है स्लो चलेगी, बट जो स्विच है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े दिए ताकि आप दो फिंगर लगा के आप इजीली एक्सेस जो है स्विच को कर सकते हो। सो आप देख सकते हो मेरे दोनों फिंगर जो है स्विच पे इजीली आ गए हुए, और यहाँ पर आपको कंटिन्यू स्टार्ट बटन भी एक ब्लैक कलर में जो है कंटिन्यू स्टार्ट बटन देखने मिलेगा। सो जितने भी सारे स्विच है सब ब्लैक कलर में जो है आपको मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं इस मशीन के चक की, सो जो कि आपको 13mm का चक मिलता है, और चक जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मेरे को अब तक देखने मिला है। ये देखिए आवाज़ सुन रहा हो, मतलब आवाज़ से मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि चक कितना सॉफ्ट है, और एक्चुअल में गाइस देखो क्या रोटेट हो रहा है। और वायर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये आपको यहाँ पर देखो वायर देखने मिलता है। सो ये आपको यहाँ पर 2 मीटर का जो है वायर देखने मिलेगा, और इसके प्लग की क्वालिटी देखो गाइस, 1 पीस पूरा वायर आपको देखने मिलता है, 2 कोर 1 mm जो है वायर आपको देखने मिलता है, और वायर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, सच में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। देखो इतना बड़ा वायर जो है आपको प्रोवाइड करता है, वायर का कोई मुझे इशू नहीं लगा, वायर एकदम परफेक्ट जो है कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ है। एक बार मैं अभी मशीन के जो है साउंड सुन लेता हूँ कि किस हिसाब से इसके साउंड है, क्या इसके अंदर एक्स्ट्रा नॉइज़ वगैरह आपको देखने मिलती है। मेरे ख्याल से तो नहीं मिलेगी, बट देन ऑल्सो वी स्टार्ट अ मशीन। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे जो है इस मशीन के अंदर इशू लग रहा है एक्चुअल में, मशीन की एक्स्ट्रा नॉइज़ जो है मुझे गियर के अंदर आपको देखने मिलेगी। और साउंड की बात करूँ अच्छा खासा जो है साउंड कर रही है, मतलब मैंने सोचा कि ज़्यादा ध्यान दिया होगा, बट नहीं साउंड कर रही है मशीन एक्चुअल में, बाकी तो इसके अंदर कोई इशू नहीं है। इसका हैमर एक बार चेक कर लेते, जितनी भी 1 पीस बॉडी वाली जो मशीन आती है उसके अंदर आपको इतना तगड़ा हैमर तो नहीं मिलता है, बट ठीक है आप चाहे इसमें कोई सी भी ब्रांड की मशीन ले लो उसमें आपको इतना तगड़ा जो है हैमर नहीं देखने मिलता है। स्विच जो है इसका अच्छा है, यहाँ पर ये देखो किस हिसाब से मैंने 2 जो फिंगर अपने स्विच पर रखी है, यहाँ पर देखो धीरे धीरे प्रेस करूँगा धीरे धीरे मशीन चलेगी।
तो ये एक वेरिएबल स्पीड हो गया और ये इसका राइट एंड लेफ्ट का स्विच बटन। टॉर्क देख रहे हो आप इस मशीन का, पावर देख रहे हो मेरे हाथ से कैसे झटके मार रही है। तो पावर के मामले में गाइस मशीन काफ़ी ऑसम है, मतलब अच्छी पावर है, बट थोड़ा सा साउंड इसका ज़्यादा लग रहा है मुझे। एक बार मैं इस मशीन पे सारे एसेसरीज जो है लगा के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो सबसे पहले हम लगाते हैं इसका हैंडल बार, जो कि लगाना काफ़ी ज़्यादा इजी है। क्या इस हैंडल बार को इस तरह से जो है खोलना है और मशीन के आगे वाले पोर्शन पे हैंडल बार को इस तरह लगाते हैं और फिर आपको फिर से जो है टाइट करना है। आप चाहे कैसे भी लगा सकते हो, ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ, जैसे आपको कंफर्ट लगे वैसे आप लगा सकते हो। तो फिर और आपको फिर इस तरह से जो है इसको टाइट करना है और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो इजीली। फिर मैं बताता हूँ कि ये लेवल स्टिक है, ये आपको कहाँ पर लगानी है। सो कुछ इस तरह से जो है ये लेवल स्टिक भी आपकी लगती है और फिर आप इसको होल्ड कर सकते हो, जितना आपको एक्चुअल में एक्यूरेट होल्ड करना है सो आप वैसे इसको यूज़ कर सकते हो। और अब मैं बात करूँ इस मशीन के प्राइसिंग की, तो यहाँ पर आपको 2600 रुपये की जो है इस मशीन की प्राइसिंग देखने को मिलती है। अगर आप एक्साइटेड हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, सो आप वहाँ से इसको बाय करना है तो कर सकते हो या इसके बारे में पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो करते हो, वहाँ पर भी मैं अच्छे अच्छे जो कॉन्टेंट्स लाते रहता हूँ, सो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर आईडी मेरी जो है मेंशन हो गई होगी, सो जाइए फटाफट से। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा और वीडियो पसंद आए तो अभी आपको पता ही है कि जितना हो सके शेयर कीजिए वीडियो को, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को तो सब्सक्राइब, वीडियो को तो लाइक और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले ऐसे कि मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।